तो दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी सप्ताह यानी कि सितंबर के दूसरे सप्ताह में एक नया विज्ञापन जारी करने जा रहा है और इस विज्ञापन में कुल 300 पद होने वाले हैं। और अगर हम बात करें तो इसमें जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो सामान्यतया स्नातक रहती है, लेकिन साथ ही साथ आपके पास कुछ अतिरिक्त योग्यताएँ भी चाहिए जिसमें ट्रिपल सी होना कंपलसरी है, साथ ही साथ शॉर्ट हैंड और टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं APS वैकेंसी के बारे में जिसका विज्ञापन तैयार है और इसी सप्ताह कभी भी जारी हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो विज्ञापन आया था इसके पहले 2013 में आया था, तो अब 2023 यानी कि 10 सालों के बाद ये विज्ञप्ति आ रही है। 2013 में जो अभ्यर्थी थे उनसे पुनर्आवेदन लिया गया था लेकिन परीक्षा तो हुई नहीं, तो इसके बाद जो अभ्यर्थी 2013 से 2023 तक जाते जाते ओवर एज हो चुके हैं वे उम्र सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं कि उनको उम्र सीमा में कुछ छूट मिलनी चाहिए क्योंकि उनके लिए अब भविष्य में सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। इसके बारे में एक डिटेल न्यूज़ यहाँ पर दी गई है, देखेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे रिजल्ट से पहले DV का क्या औचित्य होता है, ये सवाल किया है बिहार के शिक्षा विभाग ने BPSC से। जैसा कि आपने देखा था कि वर्तमान समय में शिक्षा विभाग और BPSC में काफ़ी जो है तकरार सी स्थिति बनी हुई है और कई बार जो शिक्षा विभाग जो पूछ रहा है तो BPSC उसका बड़ा कड़ा जवाब दे रहा है, और अब यहाँ पर शिक्षा विभाग ने BPSC को रिजल्ट से पहले DV कराने के औचित्य पर सवाल उठाया है। तो दोस्तों बात करेंगे इस पर भी। सबसे पहले आपको बता दें APS विज्ञापन के बारे में, सबसे बड़ी बात यह कि ओवर एज अभ्यर्थियों को कोई अवसर मिलेगा या नहीं अभी इसके बारे में कोई भी क्लियर कट जानकारी नहीं है। जो स्टाफ हैं उनके मुताबिक ये पता चल रहा है कि जो ओवर एज हो चुके हैं अभ्यर्थी उनको अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा ये विज्ञापन में आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसके पहले ये जो विज्ञापन जारी हुआ था APS पर ये 2010 में हुआ था, फिर 2013 में हुआ था। 2010 का जो विज्ञापन जारी हुआ था उस पर CBI जाँच हो गई थी और ये CBI जाँच काफ़ी देर से बैठी थी, 2017 में बैठी थी, तब तक जो अभ्यर्थी थे वो अपने पदों पर जा चुके थे लेकिन फिर भी मामला पकड़ में आया। और 2013 में भी जब ये मामला बीच में ही रोक दिया गया था क्योंकि 2013 की भर्ती उस समय चल रही थी, तो पुराने अभ्यर्थियों से नए सिरे से आवेदन मांगे गए थे 2013 वालों से। दोनों ही भर्तियों में विवाद क्या था कि अभ्यर्थियों को शॉर्ट हैंड में 8% गलती तक की छूट दे दी गई थी जबकि सेवा नियमावली में यह प्रावधान नहीं है। APS भर्ती की जो सेवा नियमावली है उसमें ये कहा गया है कि 2001 से पहले शॉर्ट हैंड में 5% का छूट देने का प्रावधान था। 2001 में शासन ने नई जो नियमावली बनाई उसमें गलती पर छूट का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। इसके बावजूद आयोग ने मनमाने तरीके से नियमों को तोड़ मरोड़ कर शॉर्ट हैंड की परीक्षा में अभ्यर्थियों को 8% तक की गलती पर छूट प्रदान की थी। इसके बाद ये जो मामला था वो संज्ञान में आया और ये भर्ती जो है लटक गई। यहाँ तक कि जो लोग जॉब भी कर रहे हैं उनको भाई मतलब को मामला अगर जाँच पे है तो जो जॉब कर रहे हैं उन पर भी तो तलवार लटक ही रही है। तो APS भर्ती 2013 में जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे उनका ये कहना है कि उनकी क्या गलती है, जब विज्ञापन आयोग ने जारी किया तो उनकी क्या गलती है। 10 साल पुरानी भर्ती में शामिल अभ्यर्थी हैं उसमें ज़्यादातर जो हैं वो ओवर एज हो चुके हैं, वो मांग कर रहे हैं कि अब जो नई वैकेंसी आ रही है उसमें उन्हें उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए। फिलहाल फ्रेंड्स दिन प्रतिदिन जो भर्तियाँ होती हैं वो कठिन से कठिनतम होती चली जा रही हैं क्योंकि अभ्यर्थी जो आ रहे हैं नए नए मैदान में एक तो उनका प्रेशर होता है, दूसरी बात ये कि अब शिक्षा के जो अवसर हैं वो बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं, ऑनलाइन क्लासेज और भी तमाम चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से, और अभ्यर्थी अब बहुत मेहनत भी कर रहे हैं जिसकी वजह से अब जो प्रतियोगिता हो रही है वो कठिन होती चली जा रही है। तो ऐसी स्थिति में एक गवर्नमेंट जॉब के लिए संघर्ष करना ये बहुत ही मतलब मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी जिनके हौसले बुलंद हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, मैं तो बस यही मानता हूँ। तो बात करते हैं शिक्षा विभाग का BPSC को दो टूक, स्वायत्तता का अर्थ अराजकता नहीं। आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में बिहार के शिक्षा विभाग और BPSC में काफ़ी जो है कहा सुनी की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर फिलहाल तो आपने ये देखा था कि BPSC ने कहा था कि वो एक स्वायत्त संस्था है, वो किस प्रकार से काम करेगा इस पर कोई हस्तक्षेप ना करे। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग ने BPSC से ये पूछा है कि आयोग यह भी अब स्पष्ट कर दे कि लिखित परीक्षा का परिणाम निकले बगैर प्रमाण पत्रों का सत्यापन पहले से किन किन मामलों में किया गया। वर्तमान में जैसा कि आपको पता है कि अभी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा BPSC ने करवाई है उसका रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो प्रमाण पत्रों का सत्यापन चल रहा है
काफी लंबी प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें भी शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी लगाए गए हैं उनको मुक्त करने की बात जब शिक्षा विभाग ने कही थी तब बीपीएससी ने कहा था कि वो राज्य सरकार उसको सहायता दे रही है तो वो राज्य सरकार से बात करें, हमसे बात ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि अब शिक्षा विभाग ने भी पूछा है कि रिजल्ट के बगैर, हालांकि ये सवाल मैंने भी कुछ दिन पहले आप लोगों से कहा था कि ये इसका क्या औचित्य है कि जो लोग भी परीक्षा दे रहे हैं सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अरे परिणाम आ जाता उसके बाद जो लोग शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनका डीवी करवा लेते तो ये प्रक्रिया एक दो दिनों में निपट जाती क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग तो आते नहीं। अब जितने लोग शामिल हुए हैं सबका डीवी, ये बड़ा मुश्किल काम हो गया था। तो ये चीज़ अब यहाँ पर शिक्षा विभाग ने भी पूछ लिया है। तो शनिवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने बीपीएससी के सचिव का पत्र का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कड़ी आपत्ति प्रकट की है। उन्होंने सचिव के पत्र को अनावश्यक और बचकाना बताया और ऐसा न करने की नसीहत दी है। एनीवे यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो अधिकारियों के स्तर पर हो रहा है, लेकिन मुख्य बात यहाँ पर यह है कि जो औचित्यहीन हो वो काम करना ही क्यों। फिलहाल बीपीएससी जो कुछ भी कर रहा है वो कुछ न कुछ तो समझ ही रहा होगा कि हाँ इसके आधार पर कर रहा है, लेकिन फिर भी ये बातें क्लियर होती तो बेहतर रहता। और वैसे भी उन लोगों का डीवी करवाने का क्या मतलब जो मतलब अंत तक पहुंचेंगे ही नहीं, पहले ही बाहर हो जाएंगे, बस प्रक्रिया जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। दोस्तों बात करें अगर यूपी ट्रिपल सी पीटी परीक्षा के बारे में, तो पीटी की परीक्षा 28 और 29 अक्टूबर को होने वाली है। तो इसके लिए आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट है वो लगातार अवेलेबल करवाए जा रहे हैं और जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपके लिए सॉल्व करवाए जा रहे हैं। अभी तक दो क्वेश्चन पेपर पूर्णतया सॉल्व हो चुके हैं। इसमें 15 अक्टूबर को जो परीक्षा हुई थी 15 अक्टूबर 2022 को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पेपर ये सॉल्व करवा दिया गया है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आपका करंट अफेयर तैयार नहीं है तो करंट अफेयर के लिए आप हमारा ये जो नोट्स है इसको ले सकते हैं। ये पीडीएफ है लेकिन आपके लिए बहुत ही शानदार है। जनवरी से लेकर अब तक की हर महीने की पीडीएफ आपको दी जा रही है, लेकिन पीटी के लिए आप लोग यहाँ पर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक का पढ़ लीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग आप लोग करिए अप्रैल से क्योंकि आप अभी आपके पास समय है तो आप पूरा कर लीजिए, ठीक है। लास्ट टाइम में आपको बस 4 महीने ही पढ़ने पड़ेंगे और वो रहेगा जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक। तो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और सभी पीडीएफ को कंपाइल करके मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।